विदर्भातील अग्निवीर सैन्य भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आपल्यासोबत डिफेन्स पीआरओ रत्नाकर सिंग सर आहेत. सर, कशा पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया सुरू आहे आणि किती युवक आज सहभागी झाले आहे आणि एकूण किती जणांची उमेदवारी आहे याच्याकरता, कितने लोगों ने आवेदन किया? ये दो साल बाद अग्निवीर रैली हो रही है नागपुर में, इनफैक्ट पूरे देश में. तो इस बार नागपुर जोन से करीब 60,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, जो कि एक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है. तो इसे दिखाता है कि ये बच्चे कितने इसके लिए एंथुजियास्टिक हैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए. आज पहला दिन था यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली का, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगी. आज गोंडिया के बच्चे यहाँ पे आए थे, करीब 2000 बच्चों ने अप्लाई किया था और उसमें से करीब 1600-1700 बच्चों ने आज रिपोर्ट किया यहाँ पे, और सभी का फिजिकल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है और आई एम श्योर ये बच्चे क्वालिफाई करेंगे और आर्मी में एक सक्सेसफुल सोल्जर्स बनेंगे. सर, पूरे विदर्भ से हर एक डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पे पूरी टेस्ट होने वाली, क्या टेस्ट चाचणी होणार आहे का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कशा पद्धतीने चाचण्या आहे, कोणकोणत्या चाचण्या, म्हणजे टेस्ट कौन सी है? ये रिक्रूटमेंट रैली में नॉर्मल टेस्ट ये सारा लिखा हुआ क्या क्या होता है. सारे एक ही बच्चे, सब बच्चे एक दिन आए थे, हमने स्टैगर किया है बच्चों को अलग अलग दिन अलग अलग शहर के हिसाब से. तो गोंडिया के बच्चे आज और कल हैं, फिर उसके बाद बाकी शहरों के हैं, जिससे कि सारे बच्चे एक साथ ही थ्रॉन्ग न हमारे पास इनको कराने के लिए सफिशियंट सुविधाएं और अरेंजमेंट्स हो यहाँ पे. इसमें बच्चों की सबसे पहले एक जो फिजिकल टेस्ट जो कि हो रहे हैं अभी, इसमें बच्चों की एक दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की, फिर चेस्ट टेस्ट होते हैं, फिर इनका हाइट वेट चेस्ट लिया जाता है, फिर एक लॉन्ग जंप है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं आर्मी में सोल्जर बनने के लिए. तो जो बच्चे इनको क्वालिफाई करेंगे, इनको फिर हम लोग सेलेक्ट करके इनका रिकॉर्ड रखेंगे, फिर इनको बाद में हम रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाएंगे. तो जो बच्चे रिटर्न टेस्ट पास करेंगे उसमें से फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर बच्चों को आर्मी में उनके रेजिमेंटल सेंटर्स में भेजा जाएगा. अग्निवीर होण्याची संपूर्ण ज्या चाचण्या त्या सरांनी सांगितल्या, मोठी अशी प्रक्रिया आणि खडतर आणि अवघड अशी आहे, त्याकरता या तरुणांनी अनेक दिवसांचा सराव सुद्धा केलाय आणि जवळपास 60,000 तरुण या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये विदर्भात सहभागी होत आहे. झी मीडियासाठी व्हिडिओ रिलीज, रत्नशील सह अमर काणे, नागपूर. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे